मुखिया और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल कितने बड़े आम आदमी हैं, उसके लिए उनको किसी गवाह की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो खुद अपने मुंह से खुद को इतना बड़ा आम आदमी बताते हैं कि शायद सुनने वालों के कान थक जाएं। उनके हर भाषण में, हर बयान में वो कुछ ढंग का कहें या ना कहें, लेकिन ये कहना नहीं भूलते, अरे हम तो आम आदमी हैं। भाई आम आदमी होने का दम भरते हैं तो फिर काम भी आम आदमी जैसे ही होने चाहिए, लेकिन आम आदमी उपद्रव तो नहीं करते, आम आदमी छीना झपटी तो नहीं करते, आम आदमी दूसरों की चीजें तो नहीं तोड़ते, तो फिर जो दिल्ली के स्कूल में डीडी न्यूज की यूनिट के साथ हुआ वो क्या था? जी, अब जब गलत हुआ है तो सवाल तो उठेगा ही, और केजरीवाल पर ही उठेगा, क्योंकि उनके ही बनाए स्कूल में ये सब हुआ है, उन्हीं के बनाए स्कूल के शिक्षकों ने ये सब किया है, और केजरीवाल ही तो है जो अपने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास बताने से नहीं चूकते। और अगर शिक्षा व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो फिर डीडी न्यूज की टीम के साथ क्यों की गई बदसलूकी, क्यों टीम के कैमरे को तोड़ दिया गया, क्यों स्कूल की असल हालत से जनता को रूबरू नहीं कराने दिया गया, इसका जवाब देंगे केजरीवाल। दरअसल डीडी न्यूज की टीम को दिल्ली सरकार के स्कूलों में अनियमितताओं को लेकर छात्रों की तरफ से कुछ शिकायतें मिली थी। इन्हीं अनियमितताओं की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए डीडी न्यूज की एक टीम बुधवार को भजनपुरा के रघुवर दयाल जन कल्याण स्कूल में गई थी, छात्रों की दिक्कतों और शिकायतों की सच्चाई जानने और स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों से बात करने टीम वहां पहुंची थी। आरोप है कि स्कूल में टीम के दाखिल होते ही शिक्षकों के ग्रुप ने पहले वीडियो जर्नलिस्ट अजय चोपड़ा से बदसलूकी की और फिर कैमरा छीन लिया और जमीन पर पटक पटक कर कैमरे को तोड़ दिया। एक शिक्षक ने कैमरे से चिप निकाल कर उसे नष्ट कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग को भी डिलीट कर दिया गया। फिर रिपोर्टर गिरीश निशाना और लाइटिंग असिस्टेंट आनंद कश्यप के साथ मारपीट की गई। इस दौरान आरोपी शिक्षकों ने वीडियो जर्नलिस्ट अजय चोपड़ा को कमरे में बंद करने की भी कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों की पहुंच जाने से वो ऐसा नहीं कर सके। इस पूरे मामले की डीडी न्यूज टीम ने भजनपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और आए दिन यह मारपीट की घटनाएं होती है। स्कूल में गुंडागर्दी, विद्या के मंदिर में गुंडागर्दी जैसी बात गले तो नहीं उतर रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के बनाए स्कूलों से इस तरह की शिकायत आई है। अरे भाई, अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के स्कूलों को इतना ही वर्ल्ड क्लास बना दिया है, इतना ही व्यवस्थित कर दिया है कि वो दूसरे राज्यों के मुखिया को खुद से सीख लेने की सलाह देते पाए जाते हैं, तो भाई मीडिया अगर वही सब दिखाने पहुंच गई तो परेशानी क्या हो गई? क्यों आम आदमी पार्टी के बनाए स्कूलों के शिक्षकों ने डीडी न्यूज की टीम के साथ इस तरह का बर्ताव किया? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार तो खुद को आम जनता की सरकार बताती है और आम जनता की बुनियादी जरूरतों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के दावे भी करती है। हालांकि विपक्ष तो दिल्ली सरकार के इन दावों पर सवाल उठाता रहता है, और अब तो जो केजरीवाल के बनाए स्कूलों में शिक्षकों ने मीडिया के साथ किया है, उसके बाद तो मीडिया के निशाने पर भी केजरीवाल सरकार को आते देर नहीं लगने वाली। जिस तरह का तांडव शिक्षकों ने मीडिया कर्मियों के साथ स्कूल में किया है, उसकी जाँच की जा रही है, और सवालिया निशान तो केजरीवाल के दावों पर उठा है। अब केजरीवाल से विपक्ष के साथ साथ मीडिया भी पूछेगी कि आखिर ये क्या रवैया है केजरीवाल साहब। वैसे आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तरफ से डीडी न्यूज टीम पर हुए इस हमले को कैसे देखते हैं? आप इस पर क्या विचार रखते हैं? कमेंट कर हमारे साथ जरूर साझा करें।